हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयनाजेशन एनर्जी एंड मेरिकल बेस्ड अपॉन बोहर्स के पॉस्टुलेट्स के ऊपर तो सबसे पहले हम आयनाजेशन एनर्जी की बात करते हैं आपके पास एक न्यूट्रल गैशियस आइटम है जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन न्यूट्रल गैशियस आइटम दिखाया गया तो आप इसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं ताकि ये गैश के टॉइन में कन्वर्ट हो जाए और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो ये जो आप एनर्जी बाहर से सप्लाई कर रहे हो जैसे आई ई के साथ लिखा हुआ है ये आप जब बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हो न्यूट्रल गैश एटम को ताकि न्यूट्रल गैशस एटम जो है वो गैश के में कन्वर्ट हो जाए ये जो एनर्जी होती है इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं ठीक है तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा सा कंसेप्ट था क्योंकि हमारे निमेरिकल्स में आयनाइजेशन एनर्जी जो टर्मिनोलॉजी है बार बार आएगी तो हमें पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है तो इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैशे एटम्स टू मेक इट कटॉइन ठीक है तो न्यूट्रल गैशेज एटम में से मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए और न्यूट्रल एटम को गैशेज के टॉइन में कन्वर्ट करने के लिए जो आप एनर्जी बाहर से सप्लाई करते हैं उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू वेरियस वैल्यूज ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द बोहर पास तो बोहर ने जो एनर्जी का पॉस्टुलेट दिया था वो कौन सा दिया था E n इज इकल टू माइनस टू पाई स्क्र एम ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्र जेड स्क्वायेर तो अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि इसको सॉल्व करके हमारे पास माइनस थर्ट या मैंने सॉल्व करके दिखाया था माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन एन स्क्वायर किलो जाउल पर मोल आ जाता है या माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट अपॉन एन इंटू टेन माइनस नाइनटीन जाउल पर एटम में भी आ सकता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी हम ले सकते हैं तो अब ये जाऊल पर ऐटम वाली एनर्जी यूज़ करनी है या किलो जॉल वाली यूज़ करनी है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ऐटम वाली यूज़ करनी है ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे इंटायरली डिपेंड करेगा तो ये आ, हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे ये तो इंटायरली न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू होगी तो वो माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी ठीक है तो अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की जो है वो कैलकुलेट करनी है ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो आपने ई इन्फिनिटी माइनस ई वन कर देना है ई e इन्फिनिटी का यहाँ पे क्या मतलब है ई e इन्फिनिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है इंफाइनिट लेवल इन्फिटी पे कितनी होती है ज़ीरो होती है ये मैंने आपको कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में बताया था कि इन्फिनी पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो होती है और हम यहाँ पे ये इन्फिनिटी वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपने आइनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ऐटम से बाहर ही ले गए बाहर ही ले गए दूर ही ले गए ऐटम से दूर ले गए ऐटम से दूर ले गए इलेक्ट्रॉन को तो नेचुरली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी उसको किसके साथ लिखेंगे ई इन्फिनीटी के साथ लिखेंगे e तो अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा ये आपको यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा यस yes. तो अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की निकालनी है तो उसके लिए जो फार्मूला रहेगा ई इन्फिनिटी माइनस ई वन ई इन्फिनिटी मैंने अभी अभी आपको बताया कि चूंकि आपने एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव ही कर दिया है तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट लेवल पे चला गया है इन्फिनिटी पे चला गया एटम से दूर चला गया तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो ही होगी माइनस ई वन ई वन को लिए हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर वन है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन के शेल में होता है तो के शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्या होती है ई होती है तो अगर आप ई e इन्फिनिटी में से ई वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की आ जाएगी आई ई स्टैंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन तो ई इन्फिनिटी की वैल्यू ज़ीरो ले ली माइनस और आप यहाँ पे माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट एट अपॉन एन स्क्वायर इन टू टेन एज टू पावर माइनस नाइनटीन पर एटम लेना चाहते हैं वो ले लीजिए आ, ये डिपेंड करेगा निमेरिकल्स पे। अगर किलोजौल में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व पॉन एन स्क्र किलोजॉल पर मोल ले सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आइटम में लेना चाहते हैं तो जीरो माइनस फिर यहाँ पे माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ले सकते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की जो है वो नेगेटिव से यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव थी पर लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नेगेटिव नहीं होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है नहीं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता और जब कोई सब्सटेंस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है आ, केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहा जाता है एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी ऑब्जॉर्ब करना और एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने का मतलब होता है साइन क्या लगाना होता है पॉजिटिव लगाना होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की आ, जो है वो क्या होगी पॉजिटिव 21.8 अपॉन पॉइंट एट अपऑन एन स्क्वेयर इन टू टू पावर माइनस नाइनटीन जाउल पर एटम अगर जवल पर एटम में लेना चाहते हैं अगर किलो जवल पर मोल में लेना चाहते हैं तो थ, प्लस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व पॉन किलो जवल पर मोल हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगी थर्टीन प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन स्क्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम तो ये वाली इक्वेशन हो या ये वाली इक्वेशन हो मैंने इनको z स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि z आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर होता है और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है वन होता है तो वन का स्क्वायर करने का तो वन ही आएगा तो ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई है तो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के आगे जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मैं आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता था ये न्यूमेरिकल करवाने से पहले तो आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हाँ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डेफिनेटली यू कैन आस्क मी तो वो तो हमने हाइड्रोजन के लिए निकाली तो बच्चे अगर हाइड्रोजन की बजाय आपके पास हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कौन से हो सकते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जैसे एच प्लस हो गया जैसे अल आई टू प्लस हो गया लिथियम टू प्लस हो गया यानी इनका अटोमिक नंबर डिफरेंट होगा पर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो सेम होगा तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हैं इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर हाइड्रोजन के नंबर के बराबर हैं हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन होता है लिथियम टू प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है अगर आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से निकाल रहा हूँ तो सपोज कीजिए मुझे आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की निकालनी है तो इसके लिए फार्मूला है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की कितनी आ गई इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी जो कि हमने पीछे निकाली थी ट्वेंटी वन पॉइंट एट माइनस नाइनटीन अपॉन एन स्क्यर इनटू जेड स्क्र कर दिया ये मेरा जेड स्क्वायर आ गया हीलियम के लिए ऑटोमिक नंबर या जेड कितना तो होता है टू टू का स्क्वायर हो गया तो ये आपकी क्या निकल आई बच्चे आइनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की निकल आई किस में जऊल पर एटम में लेकिन आप कहते हो कि सर हमने जऊल पर एटम में नहीं निकालनी हमने किलो जऊल पर मोल में निकालनी है तो कोई बात नहीं आप आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की निकालेंगे तो किलोजोल पर मोल में निकालने के लिए फिर से आप यही फार्मूला यूज करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ़ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की किलोजोल पर मोल में कितनी थी थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन एन स्क्वायर इंटू क्या कर दिया जेड स्क्वायर कर दिया ठीक है ये तो वैसे ही रह गया और हीलियम प्लस के लिए z की वैल्यू कितनी है टू तो z का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया तो ये आपकी क्या निकल आई आए? आइनाइजेशन एनर्जी किसकी हीलियम प्लस की किसमें किलोजाउल परमोल में ठीक पर है तो आई एम वेरी श्योर के आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कैसे निकालनी है हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए और बाकी जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं यानी जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उनकी अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आपने सिंपली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को Z स्क्वायर कर देना है किस को जेड स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना आई मीन टू से सिंपली Z स्क्वायर नहीं कर देना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को Z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देना ठीक है।, है तो इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर आपने आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की निकालनी होती है ठीक है तो हमारा वन शॉट होता है ना एक ही शॉट में हमने आ, सारा लेक्चर देना होता है कोई रीटेक्स नहीं ये बोर्ड तो है नहीं कि जिस पर रब करके दोबारा लिखते जाएंगे ठीक है एक ही टेक में हमें सारा शूट करना है सो आई होप कि अगर कोई छोटी चीज़ ऐसी रह जाती है तो मैं उसको रेक्टिफाई दोबारा फटाफट कर देता हूँ तो चलो हमें आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ और टेबल के चैप्टर में तो हम आयनाइजेशन एनर्जी की दजी उड़ा देंगे यानी कि उसको बहुत ही डिटेल्स दजी उड़ा देंगे मतलब ये नहीं कि हम उसको उड़ा ही देंगे खून कर देंगे इसका मतलब कि हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो अब हम एक नमेरिकल निकालने जा रहे हैं <coughs> तो जो नमेरिकल है बेस्ड अपॉन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पहला नमेरिकल है कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट तो उसने मतलब आ, आपको एनर्जी निकालने के लिए भी बोला हुआ है और आ, रेडियस भी निकालने के लिए बोला हुआ है तो पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर आपने आ, किसी की जैसे एच ई प्लस की यहाँ पे मैं एच ई प्लस कर देता हूँ ठीक है निकालनी हो तो ये जो एनर्जी होती है ये किसकी होती है ये हाइड्रोजन की होती है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जेड से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन एन स्क्वेयर हीलियम प्लस में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना तो एक इलेक्ट्रॉन के शेल में ही रहेगा तो एन की वैल्यू वन रहेगी तो हीलियम का टॉमिक नंबर टू होता है तो टू का स्क्वायर कर दिया तो हमारी क्या निकल आई हीलियम की जो है एनर्जी निकल आई जिसको ई वन भी कह सकते हैं टू तो का स्क्वायर फोर फोर को इससे मल्टीप्लाई कर दो ये आपकी इसकी एनर्जी निकल आई जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है अगर आयनाइजेशन एनर्जी होती तो पॉजिटिव साइन होता अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी तो क्या साइन होगा नेगेटिव तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की वैल्यूज सेम होती हैं हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उनके आगे नेगेटिव साइन लगाना होता है और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें आपने क्या करना होता है पॉजिटिव साइन लगाना होता है एनर्जी की वैल्यूज़ दोनों की सेम होती हैं ठीक है ये आपको क्लियर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी निकालना है तो इसके लिए मैंने आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए फार्मूला uh, दिया था कल के एम uh, जो कल का जो सेकंड और थर्ड नोट था कल के पॉस्टलेट में तो वो आपको याद होगा वो क्या था आर इजिकल टू ए नॉट इन टू एन याद है हाँ अपॉन जेड तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करके रेडियस यहां से निकाल सकते हो ठीक है तो ये आपका एक नमेरिकल हुआ अब हमने सेकेंड नमेरिकल निकालना है सेकेंड निकल है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बोहर रेडियस इज डेसिमल फाइव टू नाइन हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है और उसने फर्स्ट बोहर ऑर्बिट कह दिया तो वेलोसिटी निकालनी है और बोहर पॉस्टुलेट वर्ड भी यूज़ कर रहा है और बोहर रेडियस भी दे रहा है तो क्यों ना हम एंगुलर मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट लगाएं बोहर का जो पॉस्टुलेट था एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाए तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए तो यहाँ से वेलोसिटी को निकालना है तो मास और रेडियस को आप इस तरफ ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाए मास इलेक्ट्रॉन का इंटू रेडियस जो कि हमें गिवन है जीरो डेसिमल फाइव टू नाइन ऑंग चलो एन की वैल्यू पहले देते हैं कितनी लेनी है उसने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कौन सा शेल हो गया के शेल हो गया के शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है के शेल के लिए एन की वैल्यू वन होती है तो ये बेटा वन पुट कर दिया कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर ली सिक्स माइनस थर्टी फोर किलोग्राम मीटर स्केयर पर सेकेंड वैसे आपको जाऊल सेकेंड बताई हुई है तो हमारा जो अगला टॉपिक अगला वीडियो होगा वो डीब्रोगले रिलेशनशिप का होगा उसमें आपको ये वाला यूनिट भी निकाल के दिखाया जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्यर पर सेकेंड ये भी क्योंकि एन एच के नीचे एम और आर है और एम जो है मास है मास किलोग्राम में लेना तो हम यहाँ पे किलोग्राम ही फिर यहाँ पे लेंगे और आर जो है वो रेडियस है जो कि हम मीटर में लेंगे चलो तो एन वन ले लिया एच प्लै कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी टू ले लिया पाई की वैल्यू पुट कर दी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू माइनस थर्टी वन किलोग्राम ले लिया और रेडियस मुझे गिवन है जीरो डेसिमल फाइव टू नाइन ऑन्ग स्टॉम अब मैं ऊपर मीटर है तो नीचे ओंगस्टॉम नहीं ले सकता मैं इसको डेफिनेटली किस से मल्टीप्लाई कर दूंगा? माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास बच्चे जो रेडियस हैं वो किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा तो रेडियस मेरे पास किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा तो मेरे पास रेडियस मीटर में आ गया तो इन किलोग्राम के साथ किलोग्राम कट गया ठीक है आ, मीटर स्क्वायर को मीटर से काट दीजिए एक मीटर आ गया और बाकी कुछ नहीं बचा ये मीटर है ये पर सेकेंड है ये यूनिट बन गया मीटर पर सेकेंड तो बाकी आपको सॉल्व करना है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Uh, बोहर पासुलेट के अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करके एंगलर मोमेंटम वाला फार्मूला अप्लाई करके एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाए वेलोसिटी निकली है टू डेसिमल वन एट नाइन इन टू टेन टू सिक्स मीटर पर सेकेंड तो uh, ये मैं आपको फर्स्ट पेज में बता चुका हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की कैसे निकालनी है ये दोबारा से रिपीट हो गया यहाँ पे तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपने हाइड्रोजन की निकालनी हो तो क्या करते हैं ई इन्फिनिटी माइनस ई वन हाइड्रोजन के लिए तो ई e इन्फिनिटी क्या होता है ज़ीरो माइनस माइनस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल आपने वैल्यू पुट करनी होती है जउल पर एटम में पुट करनी है तो ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू टेन माइनस नाइनटीन अपॉन एन स्क्वायर पुट की दीजिए अगर किलोजॉल पर मोल में पुट करनी है तो माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन एनस्क्यर किलोजॉल पर मोल पुट कीजिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आ, एटम में कन्वर्ट पुट करनी है वैल्यू तो आप लिखेंगे ज़ीरो माइनस माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एनस्क्यर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये चीज़ें ठीक है तो इस तरह से आप आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की फिर से निकाल सकते हैं ये आपका दूसरा निमेडिकल था मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है अब हम आ, थर्ड मेडिकल की तरफ चलते हैं थर्ड मेडिकल में क्लियर ओके यस, थर्ड निमेरिकल में थोड़ा सा अब डिफरेंट है वैसे तो पहले दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे मैंने रिडबर्ग में भी ऐसे किया था जो चार न्यूमेरिकल आपको वीडियो में दिए थे वो चारों एक दूसरे से डिफरेंट थे और जो असाइनमेंट में दिए थे वो ऑलमोस्ट सेम थे वो ईजियर थे कंपेरेटिवली ये भी ईजियर हैं बट हम ट्राई करते हैं कि वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स दें वो एक दूसरे से डिफरेंट हों वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच ना करते हो उसका कोई फन ही नहीं है ना एक्चुअली नहीं तो आप फिर मेरा ही फन उड़ाते रहोगे तो थर्ड मेरिकल मेरे पास है कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम आपने हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है पहले तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है और वो हाइड्रोजन एटम के शेल में है तो आपने उसे बाहर से एनर्जी सप्लाई की तो एक्साइट करके चला जाएगा और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का के शेल में होता है आपने सिर्फ उसे इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है कि वो जम्प करके के से एल शेल में जाए के से कहाँ पे जाए एल शेल में ठीक है क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेशन का एनर्जी का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक शेल को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो सप्लाई करनी है अगर यहाँ पे लिखा होता सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी तो फिर हमारे पास होना था कि के शेल से हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जंप करके एम शेल में चला जाए ये एक्साइटेशन एनर्जी का मीनिंग होता है तो आ, हाइड्रोजन uh, का जो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास बेचारा गरीब आदमी है तो हाइड्रोजन एटम का टॉमिक नंबर वन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के शेल में ही होगा तो जब के शेल में इलेक्ट्रॉन होता है कितनी बार आपको बताया कि वो कौन सी स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट होती है और वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब के से एल में चला गया यानी एन वन से किस में चला गया एन टू में चला गया तो एनर्जी में डिफरेंस जो आएगा उसे डेल्टा ई e के साथ लिखेंगे वो क्या होगा ई टू माइनस ई वन तो अब आपकी मर्जी है ये जो वैल्यूज़ मैंने ली हैं जाउल पर मोल में ली हैं आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ले सकते हो आप जाउल पर एटम में ले सकते हो ये आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के जो ऑप्शंस दिए होते हैं वहाँ देखना है कि चारों ऑप्शन जौल पर मोल के हैं चारों ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के हैं या किलो जौल पर मोल के हैं जाऊल पर मोल के हैं मेरे पास जो आंसर था जौल पर मोल में था तो इसलिए मैंने जाऊल पर मोल वाली वैल्यू पुट करी तो वैसे आ, कितनी होती है आ, एक्सप्रेशन ई टू का क्या होता है माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व अपॉन एन स्क्वेयर और यहाँ पे हम किलो जॉल लिखते होते थे पर अब इसको जॉल में कन्वर्ट कर दिया थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके तो ये हो गया माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व इन टू थाउजेंड अपॉन एन का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर क्यों ले लिया क्योंकि एल शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है टू होती है तो टू का स्क्वायर हो गया यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E2 यानी कि वहां पे n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी 2 का स्क्वायर हो गया माइनस ये माइनस का साइन है माइनस 1312 10 ट्वेल्व इन थ्री अपॉन एन का स्क्वायर तो ई टू के नीचे एन टू का स्क्वायर आना है और ई वन के नीचे एन का स्क्वायर आना है एन की वैल्यू कितनी है वन तो यहाँ पे वन का स्क्वायर लेना है और E2 के नीचे वो वाला n आना है जो कि सेकेंड एनर्जी लेवल का होगा तो सेकेंड एनर्जी लेवल मतलब सेकेंड शेल के लिए स्मॉल uh, n की वैल्यू कितनी होती है टू तो ये टू का स्क्वायर हो गया चलो यहाँ तक हो गया ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये तो वन का स्क्वायर है ये तो यही रह जाएगा थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व ये टेन डिज़ टू पावर थ्री और टेन इज टू पावर थ्री इसे कॉमन निकाल के बाहर ले जाते हैं ये माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व है और नीचे टू का स्क्वायर है यानी फोर हो गया माइनस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस थ्री टू एट प्लस थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है पॉजिटिव में से माइनस थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट को सब्सट्रैक्ट करो ये आ जाएगा प्लस नाइन हंड्रेड एटी फोर इंटू टेन टू पावर थ्री जाउल पर मोल ठीक है तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको आंसर में देना है तो उसमें आप क्या दे सकते हो तो आप उसमें दे सकते हो नाइन एट फोर इंटू टेन टू पावर थ्री है तो डेसिमल को यहाँ पे लेके आ सकते हो ये ले लिया तो फिर ये टेन डिज टू पावर थ्री नहीं रहेगा ये टेन डिज टू पावर कितना हो जाएगा फाइव हो जाएगा ठीक है राइट right? ये आप अपने नोट्स में ठीक कर लेना नोट्स में जो मैंने पिक्स भेजी हुई हैं, वहाँ पे यहाँ पे शायद टेंडिस टू पावर थ्री लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये इसको फाइव किया है वो गलती से रह गया था तो थ्री की जगह यहाँ पे फाइव कर लेना तो आपके पास आंसर आ गया नाइन पॉइंट एट फोर इंटू टेंडिस्ट टू पावर फाइव जाऊल पर मोल ये नहीं कि वो पहले वाला आंसर गलत है लेकिन साइंस कहती है आंसर को इस तरह से निकालना चाहिए कि डेसिमल जो है वन प्लेस के बाद होना चाहिए तो डिफरेंस इन एनर्जी निकला नाइन डेसिमल एट फोर इन टू टेन टू पावर फाइव जाउल पर मोल आई एम श्योर के ये आपको थर्ड निकल जो है वो क्लियर है ठीक है क्लियर है बच्चे ओके okay. अब एक फोर्थ न्यूमेरिकल है तो फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो इस तरह से है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टेटमेंट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू 8.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टू पावर माइनस एटीन जाउल पर एटम तो आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की दी हुई है एट डेसीमल सेवन टू इंटू टेनर माइनस एटीन जाउल पर एटम और कहा है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ़ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ लिथियम टू प्लस यानी कि लिथियम के फर्स्ट शेल की आ, में जो इलेक्ट्रॉन है लिथियम टू प्लस के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी आ, आपने एनर्जी कैलकुलेट करनी है हीलियम प्लस की एनर्जी की हेल्प से तो इसका मतलब कि हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है जो कि पॉजिटिव है और अब हमें आ, लिथियम टू प्लस की एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है वो नेगेटिव आएगी इसका मतलब उसका आंसर नेगेटिव मैंने जैसे कि पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है और आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है तो हमें गिवन इसमें हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी है और जाऊल पर एटम में गिवन है तो हम सबसे पहले लंबा नमेरिकल है ई uh, एन e का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बोहर पॉस्टलेट के अकॉर्डिंगली माइनस टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर अपॉन एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वेयर माय गॉड कितना लंबा है तो ए, इतना लंबा है तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ना सब में कॉमन ही होता है तो इसको ना कॉन्स्टेंट मान के के ले लेते हैं ठीक है तो k को z स्क्र से मल्टीप्लाई कर दिया के जेड स्क्र नेगेटिव साइन तो उठाना ही है अपॉन क्या हो गया एन स्क्वायर ये आपको क्लियर है ठीक है तो के से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी हमारी अब हम आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की निकाल लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम प्लस की जो है निकालनी है आप कहेंगे कि दी हुई है नहीं हमें के को भी तो फाइंड आउट करना है कि के कितना निकलेगा तो फार्मूला क्या रहेगा ई इन्फिनी माइनस ई वन इसमें भी ई वन लिखना है वो क्यों हीलियम प्लस हीलियम का अटोमिक नंबर कितना होता है दो प्लस प्लस का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो टू माइनस वन इजिकल टू वन इलेक्ट्रॉन और जो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर हीलियम प्लस में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेल में होगा तो के शेल के लिए एनर्जी जो है वो कितनी होती है ई वन होती है तो मेरे पास आ गया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस ई वन ई इन्फिनिटी के लिए क्या लेंगे जीरो माइनस अब मेरे को बेनिफिट हो गया कि ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ माइनस के जेड स्क्वेयर जेड स्क्वेयर की जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने टू का स्क्वेयर क्योंकि हीलियम का टॉमिक नंबर कितना होता है टू अपॉन एन स्क्वेयर तो एन इलेक्ट्रॉन है ही एक हीलियम प्लस में तो वो तो के शेल में ही होगा तो वन का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया टू टू का टू का स्क्वायर फोर हो गया के से मल्टीप्लाई करो फोर के आ गया ठीक है तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया फोर के में कन्वर्ट कर दिया ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है फोर के भी आयनाइजेशन एनर्जी है और जो स्टेटमेंट में दी हुई है ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है क्यों ना फोर के को हीलियम प्लस की फोर के की आयनाइजेशन एनर्जी को हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इक्वेट कर दिया जाए तो मैंने फोर के को एट डेसीमल सेवन टू इन टेन एज टू पावर माइनस एटीन पर एटम जो कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में गिवन है उसके इक्वेट कर दिया तो फोर को इसके नीचे ले जाऊंगा तो मेरे पास के निकल आएगा बहुत आसान हो गया कि के हमने निकाल लिया चलो जी अब के निकल गया अब हमने एक टास्क कंप्लीट कर ली हमने हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली अब हमने लिथियम टू प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली है और वो भी फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए सबसे पहले लिथियम टू प्लस के लिए इसका टॉमिक नंबर थ्री होता है तो Z की वैल्यू कितनी होगी हो थ्री होगी ठीक है और थ्री माइनस टू कितना होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल लेते हैं जो पॉजिटिव साइन होता है उसको टॉमिक नंबर में से माइनस करो तो इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं तो uh, इसका टॉमिक नंबर थ्री है ये टू प्लस है तो इसको थ्री में से माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू इजिकल टू वन आ जाएगा तो इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो कौन से शेल में होगा के शेल में होगा तो आपके पास Z भी आ गया आपके पास N भी आ गया तो अब आपने E1 निकालना है ठीक है E1 क्योंकि आपके पास जो है आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के लिए हीलियम के लिए तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से जो था के निकाल लिया था और हीलियम प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल ली थी पर उसने लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए नहीं बोला लिथियम के अंदर जो एक अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी निकालने के लिए बोला है तो हम लिथियम टू प्लस के लिए लिखेंगे ई वन ई वन इज इक्वल टू माइनस ये इक्वेशन वन वाला फॉर्मूला माइनस के जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर तो के हम निकाल चुके हैं कितना 2.18 पॉइंट वन टू टेन माइनस तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी ये आ गई यूनिट्स जउल पर एटम थे Z एटॉमिक नंबर इसका कितना है थ्री थ्री का स्क्वायर कर दिया N की वैल्यू कितनी है वन वन का स्क्वायर किया सॉल्व कीजिए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की निकल आएगी माइनस नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू इन टेन एज टू पावर माइनस एटीन जाउल पर एटम तो बेटा मैंने डिफरेंट डिफरेंट चार न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं तो आई एम वेरी श्योर कि ये आप चार नमेरिकल करने के बाद मैंने एक चार नमेरिकल के असाइनमेंट भी दिए हैं वो आप अपने आप ट्राई करेंगे उस चार नमेरिकल्स में जो मैंने आपको दिए हैं उसमें मिक्सचर है एक आधा नमेरिकल रेडबर्ग का है वैसे पीछे भी मैडम मैंने असाइनमेंट्स आपको दिए हैं और जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाएगा एम मिलने शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी चैप्टर जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करा तो थोड़ा सा और प्रोग्रेस करे तो आपको बहुत सारे एम भी मिलने शुरू हो जाएंगे तो अभी मैं आपको जो नोमेरिकल्स की हैं स्टेटमेंट इसलिए आपको लिख लिख के भेज रहा हूँ कि आप लोगों ने बुक्स बाय नहीं करी अब लॉकडाउन खुल गया है। तो अब बुक्स बाय जरूर कीजिए क्योंकि मुझे होमवर्क किताब में से भी देना होता है प्लीज़ बाय द बुक एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल एंड मुझे व्हाट्सअप करके बताइए कि आपने बुक बाई कर ली है बाय कर ली नहीं बुक की पिक्चर खींच के भेजिए आप बड़े मतलब आ, क्या कहते हैं आ, कर देते हैं हेरा फेरी कर देते हैं कई बार और ऐसे कह देते हैं हमने बाय कर ली तो मैंने आप लोगों को काम देना है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं आप दो फ्रेंड्स हैं जैसे आप उसकी बुक की हेल्प से आप एक जिना फिज़िक्स की खरीद ले केमिस्ट्री की खरीद ले क्योंकि क्राइसिस कुछ इस तरह के चल रहे हैं तो एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट शेयर कर सकते हैं लेकिन बुक इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि मुझे काम उसमें से भी देना होता है ठीक है थैंक यू सो वी कॉल इट अ डे Myself Rajiv Sachdev. I hope I have justified with the numericals. So far as uh, these numericals are concerned, normally these numericals are not taken in the subjective classes, taken in the objective classes only. Uh, if in the case you had a problem, uh, be in touch with me. My phone number is 981 981-54-11206 Thank you very much. We call it a day. Love you all.